गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ और नए नए विचारों से आपको रोज अवगत करा रहा हूँ कि आप प्लीज़ पॉजिटिव जगहों पे जाइए, पॉजिटिव रहिए। और आप हमारे वो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं जिनको आगे बहुत कुछ करना है, तो मैं आपको लगातार नए नए टिप्स दे रहा हूँ। आप अपनी पर्सनालिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पर्सनालिटी ही आपका एक ऐसा रोल है जिसमें आपकी इमेज बनती है। आप एज ए बैट्समैन अगर टीम में खेल रहे हैं तो टीम के लिए खेलिए, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। जो खिलाड़ी टीम के लिए खेलता है उसको अपने उसके साथी भी लाइक करते हैं। तो अगर 4 रन का एवरेज है, 6 रन का एवरेज है, 8 रन का एवरेज है, आप अपने गेम में वो परफॉर्मेंस लाइए कि आप उस परफॉर्मेंस वो रन निकाल सकें। इसी तरीके से अगर आपके टीम को एज ए बॉलर हैं आप और आपको रन नहीं देना है, तो आप कोशिश करिए ऐसी बॉल्स डालिए कि टीम कम से कम रन आप दें और टीम आपकी जीते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके कैरियर में आपकी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी के लिए आपको, देखिए, सबसे बड़ी बात है आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए। गवास्कर सर को वॉच करिएगा, गवास्कर सर कितना अच्छा बोलते हैं एज ए कमेंटेटर। उन्होंने क्रिकेट में इतिहास लिखा, उन्होंने सबसे अधिक सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था डॉन ब्रैडमैन सर का, उन्होंने 10,000 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। उसके बाद लेकिन जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो वो उनके बारे में मैं यही कहूँगा, वो बुक्स भी लिख रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, उससे पहले मुझे जहाँ तक लिखा होगा तो नहीं, लेकिन गवास्कर सर से मैं की किताबें मैंने बहुत पढ़ी। सनी डेज उनकी पहली बुक आई थी, उसके बाद जब भी वो कोई भी टेस्ट सीरीज या कहीं से आते थे तो एक बुक उनकी आती थी। इसका मतलब वो उनका मतलब हर फील्ड में वो आगे थे। उसके बाद उन्होंने कमेंट्री करना शुरू किया एज ए कमेंट्रेटर। कमेंट्री बहुत से लोग करते लेकिन वो वर्ड्स को बोलना, वो उनके अंदर एक कला है, वो उससे भी वो बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरीके से मॉडलिंग करना उन्होंने सिखाया। उससे पहले लोग मॉडलिंग बहुत कम करते थे, मुझे जहाँ तक याद है गवास्कर सर ने मॉडलिंग करना भी सिखाया। तो क्रिकेट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गवास्कर सर को मैं इसलिए मानता हूँ कि वहीं से उन्होंने एक नई दिशा दी खिलाड़ियों के लिए। आज रिटायर होने के बाद खिलाड़ी घर नहीं बैठा है, कमेंट्री कर रहे हैं और भी बहुत से फील्ड में मॉडलिंग कर रहे हैं। तो ये मैं कहने वाला कि आप भी कल आप उस रोल में फिट हो, इससे पहले आप डायरी लिखना शुरू कर दें। आप और भी कुछ जो आपके शौक्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो उस पर ध्यान दें। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते जाएंगे, आपका गेम इम्प्रूव होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से बढ़ता जाएगा। आप मैंने बहुत से खिलाड़ियों को देखा जो बोल नहीं पाते थे और वो उनकी हीन भावना बनी जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो आप इन सब चीज़ों से भागिए नहीं। अगर आपने अपना करियर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए क्रिकेटर बना लिया है, तो आप उसको फेस करिए कि मुझे बोलना भी आना चाहिए, मुझे सबसे बातें करना आना चाहिए, मुझसे कोई किसी भी टॉपिक में बहस कर ले, मैं उसको बोल सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते जाइए। और इसी तरीके से मैं आपको नए नए टॉपिक्स पे रोज़ कुछ ना कुछ छोटा छोटा लेक्चर देता रहता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको आज एक नई, देखिए मैं यहाँ खुद क्यों टहल रहा हूँ, यहाँ पर आया, ये सब देखिए लोकेशन, क्योंकि और मैं रोज़ कुछ ना कुछ बोलता हूँ, कुछ ना कुछ आपसे जुड़ने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को बताता चलूँ। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अब देखिए मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, डिफरेंट माहौल, ये सब चीज़ें हैं। आप लोग अपनी गेम में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते चलिए। जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी, आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। मैं एज ए सेलेक्टर मैं कई बार देखता हूँ बच्चों को कि जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, उनका ड्रेस कोड देखता हूँ। आपके पास 2 कपड़े हों लेकिन आप उन कपड़ों को रोज़ साफ करिए, साफ़ सुथरे रहिए, नीट क्लीन दिखेंगे,
आपके अंदर से आपका अलग कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, सुस्ती आपके अंदर नहीं रहेगी, आप चुस्ती रहेगी। अपनी डाइट्स पर ध्यान दीजिए, आप फल खाइए, सब्जियाँ खाइए मैक्सिमम से मैक्सिमम, अपनी डाइट चार्ट बना के चलिए, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं, आपको फिट रहना है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट रहना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ। प्लीज़ अपनी पर्सनालिटी, अपनी उस पर ध्यान दीजिएगा, अपने फूड्स खाने पर ध्यान दीजिएगा और इन्जॉय करिए लाइफ। लाइफ इन्जॉय करने के लिए है, और आपने अगर क्रिकेटर बनने का प्रण कर लिया है तो आपको टॉप लेवल पे खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और इंडिया टीम में खेलना नहीं है, आपको इंडिया टीम से परफॉर्मेंस करनी है। स्टेट खेल रहे हैं तो स्टेट के लिए परफॉर्मेंस करनी है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए परफॉर्मेंस करनी है। ओके, टेक केयर, बाय।